हेलो एस्पिरेंट वेलकम टू सीएस सॉल्यूशन जैसे कि आज जे ओ टी नौ का पेपर था सुबह ग्यारह से एक बजे शिफ्ट में मैंने आपको उस कंप्यूटर और एच डी के करा दिया था लेकिन इस लेक्चर में मैं कंप्लीट टू हंड्रेड क्वेश्चन की बात करूंगा मतलब जो आपके दो सौ क्वेश्चन आए थे कंप्लीट आपको इस लेक्चर में मिल जाएंगे जैसे कि आप अपनी कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हो कि आपका स्कोर क्या रहा इस पेपर में चलिए शुरू करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीचर कॉमन टू बोथ इंडियन फेडरेशन एंड अमेरिका फेडरेशन कौन सी विशेषता ऐसी थी जो भारतीय संघ और अमेरिका संघ में आम थी डेट इज ऑप्शन डी संविधान के निर्वाचन के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय अगला क्वेश्चन है कौन सा संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लेख नहीं है डेट इज द प्रेस की स्वतंत्रता ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन है हमारा वट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ राज्यसभा मेंबर इसका होगा आंसर तीस जब वित्तीय आपातकाल घोषित होता है तब क्या होता है तब आपकी कर्मचारियों के किसी भी वर्ग के वेतन को और भत्तों में क्रोटी हो जाती है हो सकती है क्योंकि वित्तीय काल है तो सारी तो आपकी कटी गई कटेगी जिसके चांस रह रहते हैं अगला क्वेश्चन है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस उद्देश्य से किया गया था यह किया गया था आपके इम्प्रूविंग क्रेडिट फैसिलिटी के एम के अकॉर्डिंग अगला क्वेश्चन है हमारा पास ये क्वेश्चन हमारा आता है कंप्यूटर साइंस का विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एमएस एक्सल डिफोर सेल अलाइनमेंट इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी टेक्स्ट इज अलाइन लेफ्ट एंड नंबर इज द राइट अलाइन अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ द रिटर्न बाय फॉर्मूला वर्क डे एक, एक दो हजार बाईस कोमा बाईस वर्क डे आपका फंक्शन है वर्किंग डे आपको दिया गया था कि बाईस आपके वर्किंग डे है तो इसका आंसर आपको जब कैट करेंगे आंसर आता इसका एक फरवरी 2022 ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा सॉरी फॉर सॉरी फॉर इंटरप्शन अगला क्वेश्चन है रोटेटिंग द डाटा फ्रॉम रो टू तो कॉलम और वाइस वर्सा रो टू कॉलम एंड कॉलम टू रोम या फिर होता है ट्रांसपोज का ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा Which of the following is not a chart type in MS Excel? Volume chart. Option C. Which of the following feature in MS Excel let you record a sequence of keystrokes? Macro. Which of the following IP address is known as loopback address? Option B. Which of the following network protocol is used for mapping IPv4 address to media access control? आईपीसी मैक को जाने के लिए आप यूज करेंगे ए आर पी का एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल अगला क्वेश्चन आपका अगेन कंप्यूटर साइंस से है विच ऑफ दी और जो पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये आपका सीरीज सी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेक्शन ब्रेक इन एमएस वर्ड ऑप्शन आपका आंसर होगा प्रीवियस पेज ये आपका नहीं होता इन एमएस वर्ड द लिस्ट ऑफ रिसिपेंट इन ए मेल मर्ज इज नोन एज द डेटा सोर्स what is the wildcard that matches one or more occurrences of character a asterisk option d science what is the shortcut key in ms word to insert a manual line break shift enter is the right answer what key combination is used to move back to previous level of numbering or bullet in ms word shift tab is the right answer font size are generally measured in point which is equal to the 1 upon 72 ऑफ एन इंच वट इज द साइज ऑफ ए फोर पेपर शीट ऑप्शन सी आपका सही होगा टू हंड्रेड टेन मीटर मिलीमीटर टू टू हंड्रेड नाइन्टी सेवन मिलीमीटर यह क्वेश्चन आपका आया है जे ओ आई डी फोर फोर सेवन से मैंने आपको पेपर कराया था शुरू में आपने पढ़ा होगा तो आपका आंसर सही हुआ हुआ होगा और काफ़ी क्वेश्चन इस पेपर में रिपीट हुए हैं तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिली होगी अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन विद द सेम स्पीड एंड एकोची From the start till the end without getting tired. The the feature of the computer is called diligence. Option C आपका सही ऐसा था और एक बात और आज के paper आपका काफी easy था कंप्यूटर साइंस में मतलब आपके इसमें 120 क्वेश्चन आराम से ठीक हो सकते थे अगला क्वेश्चन हमारा हमारा कंप्यूटर का है 136, सीरीज सी

डिटेल में बताता हूं आपको चार ऑप्शन के साथ इसलिए मैं उसको अलग से करवाऊंगा इसमें इसीलिए नहीं, नहीं कराऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए आपको सिर्फ आंसर बताऊंगा मैं लेकिन बाद में इस पेपर को हम कंप्लीट समझेंगे कंप्लीट एनालिसिस करेंगे हर एक क्वेश्चन की सीपी यू कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट डैश एंड मेमोरी यूनिट सीपीओ के अंदर तीन बार बोलते हैं आपके सी यू कंट्रोल यूनिट मेमोरी यूनिट एंड आर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट तो आपका कौन सा मिस है इसमें ए एल यू ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा वट इज द रिक्वायर टू मेक अ हार्ड कॉपी ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट आपको चाहिए प्रिंटर डायनामिक रैम कंज्यूम मोर पावर एंड इज स्लोअ एज कम्पेयर टू स्टेटिक रैम ऑप्शन डी आपका सही आंसर था काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे मतलब आपके ये मैंने पाँच छः क्वेश्चन आपको कराए इस पेज पर आपके सारे क्वेश्चन आपके एक मिनट में सॉल्व हो सकते थे क्योंकि आपके डायरेक्ट आंसर है सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं थी इसमें पर्सनल ब्लॉग और जनरल एंट्री पास ऑन दैब आर नॉन एज ब्लॉग्स अगला क्वेश्चन है वॉर्म्स नॉर्मली मूव अराउंड द इनफैक्ट अदर मशीन कंप्यूटर नेटवर्क नैन गेट आपका कौन सा गेट होता है इनवर्स गेट इसलिए यह आपके सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा नॉट बी और बी नैन वी ऑल ऑफ दिस आपका सही आंसर होगा द कंपाइलर कन्वर्ट योर सी बस इंडक्शन इन टू आपके जो कंपाइलर है वो करता है कर आपके हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में हाई लेवल आपका होता है सोर्स कोड एंड जो आपका कन्वर्ट होगा मशीन लैंग्वेज में वो होता है आपका ऑब्जेक्ट कोड इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन ए एम एस डॉ स्पोर्ट फाइल नेम अप टू एट करेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका आंसर होगा पक्के इंटो के भवन ये आपका क्वेश्चन आता है आप जे के सेक्शन से ऑप्शन इसमें ए सही होगा बंट बिग बिल्डिंग द चीफ कॉम्पोनेंट ऑफ वैदिक कल्चर ऑन इंडियन हिस्ट्री वॉज इसका सही आंसर होगा आपका राइज ऑफ द अदर वर्ल्डली आउटलुक अन्य वैश्विक संभावना की उत्पत्ति ऑप्शन डी आपका सही आंसर था अगला क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर का है विच ऑफ नॉट अ वैलिड लोकल आईपी बिफोर एड्रेस इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पूछा है नॉट अ वैलिड टू सिक्सटी पॉइंट टू फोर्टी पॉइंट वन पॉइंट वन ये इसलिए हुआ क्योंकि आपका दो सौ पचपन से बाहर है इसकी ये होती है रेंज दो सौ पचपन से दो सौ पचपन तक और आपका रेंज से बाहर है इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नॉट अ वैलिड विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड मेक यूज ऑफ मैसेज टू टेस्ट द रिचेबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफाइड कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क दैट इज द पिंग कमांड मैंने आपको कराया था एक क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्टेड बाई आई बी एम रेड हार्ट विच ऑफ एंड विच इज द ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ आई टी रिसोर्स ओवर द इंटरनेट विथ पे एस यू गो प्राइसिंग डिफिचर किसका है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का क्लाउड सर्विस का विच वायरस रीज इन डेट इज द्रेन वायरस विच इज अ मार्वल डेट लुक लाइक अ जनरल एप्लीकेशन आपका होगा ट्रोजन होर्स टी सी बी आई पी का पूरा नाम क्या था ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारा अगला क्वेश्चन आता है जे के सेक्शन से वैली ऑफ लावर इज लोकेटेड इन विस स्टेट उत्तराखंड डेट क्वेश्चन था मुंबई हाई इज रेटेड टू पेट्रोलियम रेस्पिशन प्रोसेस रिक्वायर ऑक्सीजन द लार्ज अमाउंट ऑफ सुगर प्रजेंट इन द्यूमन ब्लड इज ग्लूकोज काफी इजी क्वेश्चन थे साइंस के पर्सन सफरिंग फ्रॉम माई पिया आर एडवाइज टू यूज कंकेव लेंस द डिवाइस यूज टू चेंज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फैन इज द रेगुलेटर ऑप्शन बी आपका साइंस होगा केमिकली लाइम वाटर इज ल्शियम हाइड्रोक्साइड विच मेटल इज प्रोटेक्टेड बाई दी लेयर ऑफ इट्स ऑन ऑक्साइड इज एल्यूमिनियम आपके सारे क्वेश्चन बहुत ईजी थे मतलब हार्डली आपके डेढ़ गुस्सा करने में इस ऊपर नहीं हमारा अगला क्वेश्चन आता है रीजनिंग का इन अ रो ऑफ ट्वेंटी फोर स्टूडेंट वेन जांकी वॉज शिफ्टेड बाई फोर प्लेस टू लेफ्ट शी बिकम एट फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड What was her earlier position from the right end of the row? Answer option B. Option B Pointing to a woman in a photograph, a man says, "She is the only daughter of my father, mother-in-law." Answer mother, Mata. Antonym of the word dispondency is the cheerfulness. One word substitution for the constant effort to achieve something that is the preservance. Perseverance. Preservance, answer yes, is answer. Ajit promised me that he would come, but did not turn up. Meaning of the idiom to keep the ball rolling, that is the to keep the conversation going. Hindi English भी आपकी काफी easy आई थी. Suresh का संदेश क्या है आपका? Sur Jamaish. Sulakshan में समाज कौन सा है? Tatpurush. और चोरी में पता कौन सा है? E. और कौशल का पर्व अच्छी है part of हमारा क्वेश्चन अगला आता है कंप्यूटर साइंस से वाट इज द एड्रेस ऑफ एन सेल एट रो पच्चीस एंड कॉलम थर्टी आपका पहले कॉलम आता है फिर रो आती है और मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है कि हाउ टू फाइन सेल एड्रेस इन एम एस एक्सएल तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिली होगी इसका आंसर आपका है ए डी ट्वेंटी फाइव ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस इन एम एस एक्स ऑप्शन डी दोनों कॉलम एक साथ नहीं होते हाउ मैनी सेल आर देयर इन द सेल रेंज बी टू से लेकर एफ टू तक मैंने आपको यही बताया था अपने कैसे रेंज ट्रेट करते हैं आपको आता होगा क्वेश्चन ए आंसर होगा इसका फिफ्टी फाइव विच ऑफ इज से ऑप्शन बी डॉलर ए डॉलर सेवन आपका एब्सोल्यूट है वट विल बी द वैल्यू ऑफ सेल कंटेनिंग द फॉर्मुला इक्वल टू फाइव इंटू नाइन हंड्रेड परसेंट आपका आंसर होगा फोर्टी फाइव वट विल बी द एड्रेस ऑफ एन सेल रेंज फ्रॉम ए थ्री टू जी फाइव इन एम एस एक्सएल इसका आंसर होगा ए काफी सिंपल क्वेश्चन है आपको एक टेबल दिया गया था आपने बताना है कि इसमें काउंट ए ए वन से लेकर डी फाइव क्या होगा जैसे आपने ए वन से लेकर डी फाइव लगाया इस पूरे में तो काउंट ए का काम होता है टू काउंट दी और टेक्स्ट एंड नंबर बट नॉट काउंट दी एम टी सेल इसका आंसर होगा आपका मैंने आपको फंक्शन में कराया था काउंट के आपके सारे फंक्शन कराए थे आपको मैंने काउंट ए काउंट इफ काउंट इफ एस एंड काउंट ब्लैंक और सिंपल काउंट आपको चारों पाँच रुपए फंक्शन कराए थे तो आपने अगर आप पढ़े होंगे आपको डायरेक्टली आंसर सॉल्व लगे होगा पता सौ क्या है ट्वेल्व तीन तीन छ तीन नौ तीन बारह विच ऑफ द द फॉलोइंग इज फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ नॉन एम टी सेल इन द गिवन रेंज दैट इज द काउंट ए काउंट ऑल हाउ मेनी प्रेजेंट इन एक्स वर्कशीट बाई डिफॉल्ट थ्री होतीस में हाँ अगला क्वेश्चन आता है जे सेक्शन से बुद्धा प्रीचिंग वर्ज इज रिगार्डिंग टू प्योरिटी ऑफ थॉट एंड कंडक्ट दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में हिंदू उपनिषद उपनिवेश अधिकांश किसी काल में स्थापित हुए थे मौर्य काल में विच ऑफ कॉज वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ मुगल अंपायर इसका आंसर होगा मनसबदारी सिस्टम मनसबदारी प्रणाली पलवा किंग आर रिमेंबर्ड एज द मेकर ऑफ द रॉक कट टेम्पल एट महाबलीपुरम सुल्तान जिसने खलीफा की सत्ता को मान्य से इनकार किया था वो कौन से थे कुतुबुद्दीन मुबारक हमारा अगला क्वेश्चन आता है कंप्यूटर से वट विल वैन यू इंस्टॉल अ न्यू प्रोग्राम ऑन अ कंप्यूटर इट इज टिपिकली एडिट टू इन ऑल प्रोग्राम विच टर्म इज यूज इन एमएस वर्ड टू डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग समथिंग दैट इज द एडिट बाई डिफॉल्ट द कंटेंट ऑफ सेल अलाइनमेंट द सेल कंटेंट अलाइनमेंट इन एमएस एक्सएल यहाँ बात की गई है कंटेंट की कंटेंट आपके टेक्स्ट भी आएगा नंबर भी आएंगे इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन सी अ फाइल विच कंटेन रेडीमेड स्टाइल स्लाइड दैट कैन बी यूज फॉर प्रेजेंटेशन इन एमएस पावर पॉइंट आपका होगा आंसर टेम्पलेट इज द राइट आंसर ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन हमारा इन डी बी एम एस विच लेवल ऑफ एबस्ट्रैक्शन डिस्क्राइब हाउ डाटा इज स्टोर जब आप स्टोरेज करती है तो आपका आंसर होगा फिजिकल लेवल मैंने आपको ये भी कराए थे द इंटरेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ डाटा विद इन द टाइम शेयरिंग सिस्टम मे बी बेस्ट हूटी टू दी हाफ डुप्लेक्स लाइन हमारा अगला क्वेश्चन आता है विच इज अ प्लेन टेक्स इंफॉर्मेशन अबाउट ब्राउजिंग सेशन स्टोर्ड ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर बाई द वेब सर्वर कुकीज हु मंग द फॉलोइंग इज द नॉन एज फादर ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू टीम बन ली विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉपुलर फाइल पॉपुलर फाइल कंप्रेशन यूनिट सॉफ्टवेयर विनजीप इज द राइट आंसर विच इज अ कॉम्बिनेशन लॉजिक सट दैट स्विच वन ऑफ सेवर इनपुट नाइन थ्रू अ सिंगल कॉमन आउटपुट लाइन दैट इज द फीचर ऑफ मल्टीप्लेक्सर

हमारा अगला क्वेश्चन आता है अगेन कंप्यूटर साइंस का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस दैट इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑप्शन बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाउड बेस्ड फाइल स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड बाई गूगल गूगल ड्राइव डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर आर नॉन एज द माइक्रो कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेमोरी कैपेसिटी आपको पता होगा मेगाबाइट इज लेस देन गीगाबाइट एंड गीगाबाइट इज लेस देन टेराबाइट एंड टेराबाइट इज द पेटाबाइट अगला क्वेश्चन हमारा हो मंग दिंग प्रपोज दोग्राम कंसेप्ट स्टोर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आंसर होगा उसका जॉन वॉन न्यूमैन मैंने आपको ये भी कराया था आपको मैक्सिम क्वेश्चन कराए हुए हैं सी एस सोलूशन पे क्योंकि जैसे मैं पेपर सॉल्व कराता हूं उसमें मैं आपको देता हूँ एडवांस नॉलेज तो एडवांस नॉलेज तो में आपको सब कुछ कवर किया गया था Which generation of the computer system replaced the vacuum tube with transistor? 2nd generation The process of writing data in CD Burning CMOS is question the amount, CMOS is the small amount of memory on a computer CMOS is a complementary metal oxide semiconductor When power of computer is turned on, a diagnostic test is, diagnostic test is carried out to चेक द की बोर्ड रैम डिस्क ड्राइव मतलब आपके सारे हार्डवेयर कंप्यूटर चेक किए जाते हैं और आपका कौन सा टेस्ट होता है इसमें आपकी डायरेक्ट हिट थी टेस्ट वर्ड यूज किया गया है और टेस्ट वर्ड आपका यूज होता है बाय उसके अंदर पोस्ट के अंदर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट विच कंपाइजीज ऑफ सीरीज ऑफ रैम इंडिकेट सर्किट दैट कैन बी इंस्टॉल्ड इन दी मदरबोर्ड मेमोरी स्लॉट्स दैट इज द डिम ड्यूल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एबैक्ट प्रिंटर इंजेक्ट प्रिंटर इज द नॉन एबैक्ट प्रिंटर वट इज दी लेटर एम एम का मतलब क्या है सी एम वाई के में सियान मैग्नेटा येलो ब्लैक के एस होता है की की बोलते हैं ब्लैक और मैंने आप पूछा है एम मैग्नेटा आपको ये भी कराया गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ मैचिंग सी पी यू स्पीड सी पी ओ की स्पीड आप किसे मैचिंग कर सकते टूब्स से बाकी आप इंटर से कर सकते हो लेकिन टूब्स आपका एक अलग टूल है इसका स्पीड से कोई भी लेन देन नहीं है हमारा अगला क्वेश्चन आता है जी के से ख गुरु इज लिंकड विद दी पोंडा साहिब गुरुदेवा आपका एचपी जी का क्वेश्चन है और एच बी एचपी जी की आपकी काफी ईजी आई थी गुरु गोविंद सिंह शिमला के मॉल की द्वारों पर भी चित्रों जो कि हिमाचली लोगों के सेहत वनों के कौशल के ऊपर से करते हैं इसके चित्रकार कौन थे अगर आपने मॉल पर लिखा होगा साफ साफ सुंदर अक्षर में लिखा गया है एम सी सक्सेना किस कांग शासक ने अकबर का शासन स्वीकार किया धर्मचंद ऑन वट डेट डि द इंडियन पार्लियामेंट पास द स्टेट ऑफ एच पी एक्ट अठारह दिसंबर उन्नीस सौ सत्तर क्यांग क्यांग एंड बैगेंचू कहाँ के लोकनीत्य है प्रसिद्ध डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के इन विच ईयर द टारगेट ऑफ टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन वॉज अचीवड आपका संपूर्ण विद्युतीकरण कब आया था नाइनटीन एटी एट में हु रिसीव द फर्स्ट पहाड़ी गांधी बाबा का श्रम अवार्ड नाइनटीन एटी नाइन जयदीव किरण इसमें इन्होंने

Be the voice of New India and find solution and contribute of to policy. What is the Param That is the supercomputer. Which country is the largest crude oil producer in the world? 2022. This question log USA America. In a certain code, substitution is written as this. काफी अच्छा question था reasoning का. इसमें क्या क्या गया Substitution 12 character थे. इसमें क्या क्या गया 6 6-6 division शुरू के छः को किया जाए उल्टा और लास्ट छः को किया जाए उल्टा तो इस सेम प्रोसेस को हमने फॉलो किया इस पर आंसर क्या आपका आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन ए आपका आंसर होगा डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन अगला क्वेश्चन हमारा एम काफी इजी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कंप्यूटर कैसे थे जो आप इसको एक मिनट में सॉल्व कर सकते से छह क्वेश्चन मैक्सिमम एम आई सी का नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रेगुलेशन जो आपका बैंक में यूज करता है चेक को करने के लिए ऑप्शन बी विच प्रिंटर यूज लाइट बीम एंड इलेक्ट्रटिकली सेंसिटिव ब्लैक पाउडर डेट हिंड आपकी लाइट बीम की ऑप्शन डी होगा लेजर प्रिंटर विच इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोल्टाइल मेमोरी दैट इज द रोम सेकेंडरी स्टोरेज डज नॉट रिक्वायर पावर कन्वर्सन ऑफ बाइन नंबर आपको नंबर देख रहे हैं बाइंडी का इसका कन्वर्सन कैसा होगा इज द राइट आंसर बट विच इज द देशन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम दैट टुगेदर कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जब बात आती है कंट्रोल की और भी कंप्यूटर सिस्टम की आंसर होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज द क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज आपकी लो लेवल लैंग्वेज है हमारा अगला क्वेश्चन आता है कैटेगरी फाइव कैटेगरी सिक्स एंड कैटेगरी सेवन ये आपकी टाइप है आपके यूटीपी केबल के क्टर आई यूज विद यू टीपी केबल आर जे फोर्टी फाइव रजिस्टर जैक फोर्टी फाइव विच लेयर एडिट बिटवीन एप्लीकेशन एंड सेशन लेर एप्लीकेशन में कौन सी लेयर होती है मैंने आपको सिखाई थी इसकी ट्रिक कि आपकी ओर सेयर की ट्रिक क्या थी आप सभी टेस्ट आप सभी टेस्ट नहीं दे पाएंगे फिजिकल डाटा लिंक लेर डाटा नेटवर्क लेर ट्रांसपोर्ट लेशन लेकिन लेर यहाँ पर बात की गई है एप्लीकेशन और सेशन की बचा कौन पेंटेशन लेयर ये इनकी भी जाती है ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर था हाइपर टेक्स टेस्ट प्रोटोकॉल एच ई टी पी आपका किसका पार्ट है आपका एप्लीकेशन लेयर का विच ऑफ द दई पी आईड इज रिजर्व फॉर प्राइवेट यूज दैट इज दन नाइनटी टू पॉइंटी वन एट पॉइंट वन डॉट नाइन्टी वन आपको सारे क्वेश्चन कराए गए थे जी एस एम एल टी एंड सी ए डी एम ए आर दी विच टेक्नोलॉजी सेलुलर टेक्नोलॉजी विच ऑफ़ following फॉलोइंग system सिस्टम इज फ्री एंड ओपन सोर्स और ये बात पक्की है कि इसकी मैच आएगी बहुत हाई क्योंकि पेपर आपका बहुत ईजी आया हुआ है आज वट इज द रोल ऑफ कंट्रोल वाई रेडू मूविंग द कर्जर टू लास्ट सेल ऑफ टेबल एंड प्रेसिंग डैश की विनी टू प्रेस टैप की टू अपेंड न्यू रोल टेबल इन एम एस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन बी परफॉर्म टू टू चेंज द पेज मार्जन टू से टैप टू सेट देंट आपके ये तीनों काम होते हैं रूरल से ऑल ऑफ दिस का सेंसर होगा व्हाट इज़ द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉप कैप बाय डिफॉल्ट होती है तीन लाइनें ड्रॉप कैप में एंड मैक्सिमम होती है दस लेकिन यहाँ बात की गई बाय डिफॉल्ट की प्रेसिंग डैश की थ्री टाइम आपका क्या सेट होगा सेंटेंस आपको मैंने एफ एड के पाँचों यूज बताए थे एफ एड को आप तीन बार बवाएंगे तो आपका सेंटेंस होगा दो बार दबाएंगे तो आपको तो आपका वर्ड होगा अगर चार बार दबाएंगे तो पैराग्राफ होगा एंड पाँच बार दबाएंगे तो पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा

एस ई ओ का नाम क्या होता है सर्च इंजन ऑटोमाइजेशन एंड आपका विच प्रोवाइड मोबाइल यूजर विद पोजिशनिंग नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विसेज डेट इज द जी पी एस ग्लोबल पोजिशिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ व्यक्ट ग्राफिक आउटपुट वाइज डेट इज द प्लॉटर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर टूल इज मोस्ट सुटेबल टू क्रिएट ब्राउचर न्यूज एट एन बुक्स का होता है पेज मेकर डेकोरेटिव लाइन और टेपर एडिड टू द बिगिनिंग एंड और एंड ऑफ अ लेटेस्ट टीम लेटेस्ट टैंप इज कॉल्ड सेरिफ यह आपका ऐसा क्वेश्चन था जो आपके पेपर की मैच बना सकता है क्योंकि इसका आंसर सबको पता नहीं होगा इसकी मैं गारंटी रहता हूँ कि इसका आंसर सबको पता नहीं था इसका आंसर था कुछ चुन्य लोगों को ही पता इसलिए इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जो आपके मैच बना सकते थे उसको आपको मैं भी विषय में बताऊँगा जैसे आपका था वर्क डे वो भी आपका मैच बना सकता है फंक्शन जो आपका वर्क डे फंक्शन आया था एक्सल में वो भी आपको सबको पता नहीं होगा हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन आपको जीके से है मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष साधन क्या है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन खुले बाजार की क्रियाएं द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर इज द शोभ शोभमंडल, विच इज द मेटोफोरिक रॉक मार्बल संगमर अ स्ट्रैच ऑफ सी वाटर पार्शली और फुली सेपरेटेड बाय अ नैरो स्ट्रिप फ्रॉम द मेन सी इज कॉल्ड लेगोन समुद्रताल इंडियन डेजर्ट इज नॉन एज ऑप्शन डी आपका ऑप्शन सी आंसर होगा लोकतक इज द लेक रिपीटेड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिकम द एरिया ऑफ लो प्रेशर इन समर इसका आंसर होगा आपका नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया उत्तर पश्चिम भारत हमारा अगला क्वेश्चन आता है एच पी जी के का स्पीति और किन्नौर कौन सी पर्व श्रृंखला द्वारा अलग होते हैं जासकर हांगरंग वाली आपकी कहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में और यहाँ पास है विच इज दी लार्जेस्ट रिवर लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट में अंतर होता है अगर बात लार्जेस्ट की होती है तो लार्जेस्ट का मतलब होता है वॉल्यूम वो वाइज वो आपकी कौन सी होती है चिनाब नदी बाई विच नेम हिमाचल इज इंट्रोड्यूस इन दी टूरिज्म मैप देवभूमि आपके कहा पे है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर ऑफ एचपी विधानसभा कृष्ण चंद्र हु द चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट कमिटिंग ऑफ द शिमला हिल स्टेट रूरल एंड प्रजा मंडल रिप्रेजेंटेड हेल्ड इन जनवरी नाइनटीन फोर्टी एट एट सोलन काफी अच्छा क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन दुर्गा सिंह वेन डेट पॉपुलर मिनिस्ट्री हेडेड बाई डॉक्टर वाई एस प्रमार अज्यूम ऑफिस इन दी पार्ट स्टेट ऑफ द एच पी आपका आंसर होगा चौबीस मार्च उन्नीस सौ बावन अगला क्वेश्चन था कंप्यूटर साइंस से पावर पॉइंट डैश इज द पैटर्न और ब्लू प्रिंट ऑफ अ स्लाइड और ग्रुप ऑफ स्लाइड इज सेव्ड एज ई डॉट पी ओ टी एक्स मैंने आपको बताया था जब आपकी फाइल नेम आपको मैंने फाइल नेम की एक्सेस कराई एक। थी इसका आंसर होगा टेम्पलेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेंशन इफेक्ट इन पावर पॉइंट यह आपका क्वेश्चन आ गया ये भी आपका ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी मैट बनाएगा क्योंकि सबको इसका आंसर पता नहीं था आपका चेक बोर्ड होता है डिजर्व होता है फेट होता है लेकिन ड्रॉप कैप नहीं होता इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विच ऑफ़ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सी प्यू डिपेंडेंट असेंबली लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपाइलर विच एर इन प्रोग्राम लीज टू दंडर अन डिज़ायर्ड और इनकरेक्ट आउटपुट अगर आपको होता है लॉजिकल एयर और लॉजिक एयर को बोलते हैं सिमेंटिक एरर विच ऑफ द फॉलिंग सॉफ्टवेयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेंडर विंडो इंस्टॉलेशन जब आपकी विंडो इंस्टॉल किया जाती है तो आपका पेंट होता है वेब ब्राउजर होता है नोटब्राउ होता है लेकिन एम एस ऑफिस आपका बाइट फुट नहीं होता उसको आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है इससे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए एम एस ऑफिस विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर टू ओपन दी पी डी एफ फाइल पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल कोडर हमारा अगला क्वेश्चन आता है यूजर टू क्विकली एक्टिव आपका आठ सौ बारह से आया गया था ऑप्शन ऑप्शन डी वट इज दॉकेट की टू क्लोज द एक्टिव एप्लीकेशन अगर आपने विंडो में एक्टिव फाइल एक्टिव फाइल जब आप खोल कर रखी है उसको बंद करना है एक्टिव एप्लीकेशन को आपके एक्टिव एप्लीकेशन को और एक्टिव प्रोग्राम को you need to press alt plus f4. which of the following is not a built-in slide layout in powerpoint? Summary slide dash are the visual effect that appear as one slide change to another. transition effect. which is a visual effect that is added to the text and graphic on slide rather than the slide itself. animation. which of the following key must be pressed while drawing over the make the perfect circle in ms powerpoint? भी क्वेश्चन आपका मैच बनाएगा क्योंकि सबको इसका पता नहीं है आंसर है शिफ्ट अगेन आपका एक क्वेश्चन आ गया एक और इससे भी आपकी मैच बनेगी क्योंकि सबको इसका आंसर पता प्लेस होल्डर पर जाते हो या फिर किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हो उसमें आपके आते हैं आठ हैंडल आते हैं उसमें आपके एक दो तीन चार पांच छ सात आठ आप इन हार आठ हैंडल की वजह से इसको रिसाइज कर सकते हो कुछ भी कर सकते हो आपके पास आठ पोजिशन आती है या आपके होते हैं हैंडल का साइन बना हुआ है उसमें आपका आप चेक कर सकते हो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा और जितने भी आंसर आपको मैं बता रहा हूँ इस आंसर की में मुझे नहीं लगता कि कोई भी आंसर मेरा गलत होगा लेकिन अगर कोई गलत होता है तो मैं उसको मैं पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन पे और इसको आपको बता दूंगा मैं फाइनेंस के, के, के बाद क्योंकि प्रोविजेंस आंसर के भी इनकी गलत होती है इसलिए जो फाइनेंस की होगी वो की परफेक्ट होती है अगर कोई आंसर में चेंज हुआ कमेंट में पिन कर दिया जाएगा अदरवाइज रहेगा आपका हाउ एंड इन लाइन सीज यूज एस्टिमेट डॉक्यूमेंट आप यूज करेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट का ना कि स्टाइल टैग का इसमें मैक्सिम बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं इसका आंसर है आपका स्टाइल एट्रीब्यूट ऑप्शन बी का सही आंसर था वट इज करेक्ट सी रूल टू सेट द बैकग्राउंड ऑफ कलर एच वन टैग इसमें आपका ऑप्शन डी आपका होता है एलिमिनेट ए आपका कभी नहीं हो सकता ऑप्शन बात आती है इन तीनों की अगर बात आपकी होती क्लास की आप लगाते हैं डॉट अगर बात होती है आई की आप गए हैश है लेकिन ना तो यहाँ पे आईडी की बात हो रही है ना क्लास की बात हो रही है सिंपल बात हो रही है कि आपने लगाना है स्टाइल एच टैग पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमल टैग इज यूज टू क्रिएट अर लिंक आपने हाइपर लिंक के लिए यूज करना यहाँ पर पूछा गया है टैग इसका आंसर होगा ए टैग अगर बात होती है एट्रीब्यूट की तब आपका आंसर होता है हरीफ लेकिन यहाँ बात की गई टैग की फोकस ऑन दर्ड टैग आपका आंसर होगा एच आपका आंसर होगा ए एंकर टैग इनपुट इज ने डिजिटल फॉर्म ऑप्शन टू आपका सही था टू आपका कहां पे है ऑप्शन सी में ओनली टू इज द राइट आंसर विलिटी ऑफ दॉजिकल इन सी पी ऑफ्यूटर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी टू कंपेयर द डेटा हमारा अगला क्वेश्चन आता है कंप्यूटर से अप्राम इन एजुकेशन इज कॉल्ड प्रोसेस काफी क्वेश्चन वेन ए फ When a file is deleted in the window, it is moved to the recycle bin. अगला क्वेश्चन आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट अलाउड इन फाइल नेम ये क्वेश्चन आपका अगेन बनाएगा मैरिट क्योंकि सबको इसका आंसर नहीं पता है जब भी आप विंडो में कोई फाइल का नाम कर रहे हैं किट आप इसमें एस्ट्रिक नहीं लगा सकते फाइल नेम के आगे बाकी से आप सब लगा सकते हो लेकिन एस्ट्रिक इज नॉट अलाउड इन फाइल नेम विंडो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा वट इज दॉकेट की टू ओपन द रन डाइल बॉक्स ऑप्शन बी विंडो प्लस आर विच ऑफ दि फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट वेब ब्राउजर इन विंडो टेन आपका एज होगा वट इज शॉर्टकट की टू रन स्नीप एंड स्केच टूल इन विंडो टेन आपका यह क्वेश्चन भी बनाएगा मेरिट क्योंकि सबको इसका आंसर पता नहीं होगा आपको पूछा गया है स्नीप एंड स्केच नॉर्मली सब इसका टूल नॉर्मली लोग क्या करते हैं सर्च मिल जाते हैं और लिखते हैं स्नीप एंड स्केच लेकिन इसकी जो शॉर्टकट की है वो किसी किसी को पता है इसकी शॉर्टकट की क्या थी विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस ऑप्शन कहां पर आपका है ऑप्शन डी में शिफ्ट विन एस विन का मतलब होता है एस ऑप्शन डी आपका सही आंसर था विच कमांड इन विंडो टेन प्रोवाइड ऑप्शन टू मैनेज योर कंप्यूटर ड्राइव डिस्क पार्टीशन वॉल्यूम डिस्क पार्टीशन ऑप्शन बी आपका सही आंसर था विच कमांड इन विंडो टेन डिस्प्ले आईपी एड्रेस मास्क एंड डिफॉल्ट गेटवे आपको मैंने कमांड कराई थी नेटवर्किंग की आपको बताया था मैंने क्या इसका आईपी कॉन्फिगेशन आईपी कॉन्फिगेशन कमांड अगला क्वेश्चन आता है जीके से विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल टू मॉडर्न इंडिया आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हिज अचीवमेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट रियातों की एकीकरण एक की उपलब्धि अगला क्वेश्चन आता है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइट क्यों लौटाया था क्योंकि ऑप्शन सी उनका हृदय पंजाब में अंग्रेज सरकार के अत्याचारों से विशेषतः वाला बाग में डायर द्वारा निर्दोष लोगों की हत्याकांड का व्यवस्थित हो गया था अगला क्वेश्चन आता है गांधी जी के अशोक आंदोलन का महत्व क्या था ऑप्शन बी जन आंदोलन के प्रभावी हथियारों के रूप में पहली बार अहिंसा का प्रयोग किया गया था ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नॉन वॉलेंस हमारा अगला क्वेश्चन आता है कंप्यूटर का विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज कंसिड टू दी वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल मैको प्रोसेसर इसका आंसर होगा इंटेल फोर डबल जीरो फोर द वर्ल्ड एल्गोरिदम इज ऑरिजिनेट फ्रॉम द नेम ऑफ द विच इस्लामिक स्कॉलर एल खबारजिमी इसका राइट आंसर होगा हु इज द कंसडर टू दर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी लेडी आडा लवलेशस विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिल टेक्नोलॉजी इज ऑल नोन एज टू पॉइंट फाइव जी जी पी आर एस इसका भी सब लोगों को पता नहीं होगा आंसर अगेन मैच में क्वेश्चन आपकी विच विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द फाउंड ऑफ ट्विटर जैक डॉर्सी इज द फाउंडर ऑफ ट्विटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्जन ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्वेश्चन आपका आया है पोस्ट कोड सात सौ तिरपन से विंडो इसका आंसर होगा विंडो नाइन अ प्रोग्रामिंग रिटर्न इन डैश लैंग्वेज इज द पोर्टेबल आपका आंसर होगा थर्ड जनरेशन लैंग्वेज फर्स्ट आपकी थी मशीन सेकेंड थी आपकी असेंबली थर्ड आपका रहती है हाई लेवल लैंग्वेज और यह आपकी पोर्टेबल होती है विच ऑफ टाइप ऑफ ग्राफिक रिप्रेजेंट इमेज एज सेट ऑफ बेसिक ड्रॉइंग शेप लाइक लाइन्स सर्कल एंड कर्व आंसर होगा आपका वैक्टर अगला क्वेश्चन हमारा है डेसिमल नंबर सिस्टम हैज डिजिट ऑप्शन ए टेन डिजिट का वन जीरो को जब सॉल्व किया गया वन टू फोर एट मैथ से आपका आंसर आएगा टेन वन टू फोर एट आठ हो दो हजार दस हो गए वन जीरो वन जीरो दस इसका आंसर होगा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ़ following इज़ नॉट a valid नंबर number? इनमें से आपका कौन सा नंबर ऐसा है जो आपका हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी बी ई जी क्योंकि आपको पता है कि उसमें होते हैं ए बी सी डी ई एफ जीरो टू नाइन और दस को बोलते हैं ए ग्यारह को बी बारह को सी तेरह को डी चौदह को ई पंद्रह को एफ लेकिन उसमें कोई जी नहीं होता इसलिए आपका आंसर हो गया बी

सीनोनियम ऑफ अ वर्ड तिसारस तो इसी के साथ हमारे 200 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट मैंने इस लेक्चर में आपको 200 हंड्रेड क्वेश्चन कम्प्लीट करा दिए हैं इस पूरे पेपर के 140 कंप्यूटर के प्लस 60 जे के अब आपने क्या करना है कमेंट शिक्षा पे कमेंट करना है कि आपने आपने कमेंट इस तरीके से करना है आपने लिखना है अपनी कैटेगरी विथ सब कैटेगरी फॉर एग्जाम्पल जन यू है और साथ में आप लिखेंगे कंप्यूटर स्कोर इतना प्लस जी के स्कोर इतना जो आपने लिया होगा आप लिखेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में और बाद में आप लिखेंगे कि माई माई स्कोर आउट ऑफ हंड्रेड इज अगर आप स्कोर लिखे होंगे तो आपने स्कोर के हिसाब से लिखना है अगर आप क्वेश्चन के हिसाब लिखेंगे तो क्वेश्चन लिख सकते हो आपके ऊपर डिपेंड है आपने क्या लिखना है तो मेरे हिसाब से इस पेपर में आप कंप्यूटर में 120 प्लस ले सकते थे और जीके में 40 प्लस मतलब जिस कैंडिडेट ने इसमें 80 प्लस स्कोर किया है उसकी सीट इस इस पेपर में हंड्रेड परसेंट कन्फर्म है जीरो नौ सौ में सीट उसकी पक्की हो जाएगी जिसने अस्सी प्लस लिए हैं और ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें अस्सी प्लस नहीं आ सकते इसमें आपके अस्सी प्लस आराम से आ सकते हैं क्योंकि पेपर आपका बहुत ईजी है कंप्यूटर सेक्शन में और मुझे तो इतना लगता है कि कंप्यूटर में आप एक भी ले सकते थे क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपका मुझे डिफिकल्ट नहीं लगा तीन चार को छोड़ के अगर आपने वो पढ़े होते तो आपका वो भी हो जाना था ऐसी मेरी एनालिसिस है बाकी अगर किसी का पेपर अच्छा नहीं हुआ है उसके लिए सॉरी बट मुझे लगता है पेपर आपका काफ़ी ईजी था इसलिए मैं इस बेस पे बोल रहा हूँ क्योंकि तो अगर अगर बात की जाए टाइम की तो टाइम इन्होंने काफ़ी दिया था तीन चार महीने का इतनी तय तो सब कर लेते हैं इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपने बताना है कि आपको सेशन कैसे लगा आज के इस लेक्चर का मैंने कंप्यूटर इसमें अलग से कराया था और एच पी अलग से कराई थी लेकिन इस लेक्चर में मैंने पूरा पेपर करा दिया आपको दो सौ क्वेश्चन का कंप्लीट जी पेपर और कट ऑफ की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ उसको भी आप देख ले, देख लीजिए जुड़ रहे हैं सी के साथ ऐसे ही एग्जाम और इंटरनेट के लिए प्लस लेटेस्ट एग्जाम अपडेट के लिए सी यू सोन इन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू पेपर न्यू कंटेंट न्यू नॉलेज न्यू कंसेप्ट थैंक यू हैव अ नाइस डे